हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरे के एक सैंपल प्रोग्राम के बारे में। ये एक 1D एरे का प्रोग्राम होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एरे के बेसिक इंट्रोडक्शन की मैंने वीडियोस पहले बना रखी है, 1D और 2D एरे दोनों की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने बिल्कुल बेसिक से एरे क्या होती है, उनको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, सब एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में प्रोग्राम देखने से पहले मैं ब्रीफली आपको बताने वाला हूँ कि एरे क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एरे? एरे एक स्ट्रक्चर होता है जो मेमोरी में क्रिएट होता है, जिसमें हम सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वो इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, और ये एक सिंगल वेरिएबल की हेल्प से हम कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ जो मैंने बोला, वो मैं बताता हूँ। अगर सपोज हमें एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करना है, अब हम क्या करेंगे, टोटल 5 वेरिएबल्स बनाएंगे, सपोज m1, m2, m3, m4, m5, और फिर उसमें हम मार्क्स एंटर करेंगे। अगर यही डिटेल हमें 10 स्टूडेंट्स की करनी होती तो टोटल हमें कितने वेरिएबल्स बनाने होते हैं, 50 वेरिएबल्स। तो हमारा प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। इस केस में हम एरे का यूज करते हैं। हम एक एरे बनाएंगे मार्क्स की और उसमें हम टोटल 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कर देंगे। एक सिंगल वेरिएबल होगा वो एरे का, जिसको हम डिनोट करेंगे मार्क्स से, और उसमें हम इनपुट कर देंगे वैल्यूज। तो सिंटैक्स देख लेते हैं जल्दी से। अगर इंटीजर टाइप की हमारी एरे है तो सबसे पहले हम इंट लिखते हैं, फिर एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर, न्यू इंट, और फिर यहाँ पे हम कैपेसिटी इनपुट कर देते हैं या डिक्लेयर कर देते हैं। ये जो कैपेसिटी होती है, ये हम इस एरे में कितने टोटल वेरिएबल्स या कितनी टोटल वैल्यूज को हम इनपुट करना चाह रहे हैं। सेम स्ट्रिंग टाइप के लिए होता है, और हम जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स बाद में लगाएं, पहले भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों मेथड करेक्ट है। डबल डेटा टाइप की अगर एरे बनानी है तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं इसे। सिंटैक्स सब सेम ही है, ये मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। आपको अगर ये पूरा अच्छे से समझना है तो आप वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। हम एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? अब इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, अगर हमें टोटल 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने थे तो अगर m1 एक वेरिएबल है तो उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू डालते, m2 डायरेक्ट वैल्यू डाल देते, m3 डायरेक्ट वैल्यू डाल देते। कैसे? सपोज m1 इक्वल्स टू 5 लिख देता मैं, m2 इक्वल्स टू 10 लिख देता, और m3 इक्वल्स टू 15 लिख देता। सपोज ये टोटल मार्क्स होते आउट ऑफ 20 में से, तो एक सब्जेक्ट में 5 मार्क्स है 20 में से, m2 में 10 मार्क्स है 20 में से, m3 में 15 मार्क्स है 20 में से, तो ये हम डायरेक्ट इनपुट कर देते प्रोग्राम में। ये हम इनपुट नहीं लेते यूजर से, तो इसको हम कहते हैं इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे हमने 5 से इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ 10 से और यहाँ 15 से। अगर यही चीज़ हमें एरे में करनी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले तो ऐसे हम एरे को डिक्लेयर करेंगे और फिर इक्वल्स टू लगा के कर्ली ब्रैकेट्स में हम वैल्यूज इनपुट कर देंगे और कॉमा से वैल्यूज को सेपरेट कर देंगे। तो इस एरे की लेंथ क्या हुई, टोटल 5 हुई, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 वैल्यूज है। इस एरे की क्या हुई, यहाँ टोटल 2 वैल्यूज है, क्योंकि एक स्ट्रिंग टाइप की है तो इसकी लेंथ 2 हुई। तो सेम ऐसे हम एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं। ये कुछ रॉन्ग मेथड्स होते हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि हम ऐसे एरे को डिक्लेयर नहीं करते, ये गलत मेथड्स होते हैं। अब हम अपने मेन प्रोग्राम पे आते हैं। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम क्या करेंगे, हम टोटल 5 वैल्यूज को इनपुट करेंगे और उन वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, और उन वैल्यूज को जो हमने इनपुट किए हैं उनका सम भी कैलकुलेट करके प्रिंट करेंगे। तो बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। यहाँ पे java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है और यहाँ पे java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है। क्लास का नेम रखा है array1, मेन मेथड को डिफाइन किया है, और स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इन, कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया है, मैं बता देता हूँ किस लिए। आई हमारा लूप के लिए, वो क्यों, वो अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। एल हमारा लेंथ के लिए, और एस हमारा सम को कैलकुलेट करके प्रिंट करने के लिए। इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है।
अब यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप की एरे को डिक्लेयर किया है जिसका नाम है AR, और यहाँ पे उसकी कैपेसिटी है टोटल 5 एलिमेंट्स की। तो यहाँ हम टोटल 5 एलिमेंट्स को इनपुट कर सकते हैं। अब एरे की जो नंबरिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और क्योंकि यहाँ पे हमारी कैपेसिटी 5 है तो ये 4 तक होगी। कैसे? 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए। एल वाले वेरिएबल में हम एरे की लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर हमें एक एरे की लेंथ को फाइंड आउट करना है कि उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम इस तरह से उस एरे की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे लेंथ को प्रिंट कर दिया है एज इट इज, लेंथ इक्वल्स टू प्लस एल। अब यहाँ पे जो अब हमारा जो मेन मोटिव जो है इस प्रोग्राम को बनाने का वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमने एरे डिक्लेयर कर दी थी, अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं एंटर 5 नंबर्स। अब यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके हम नंबर्स को इनपुट करवाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एरे है, तो ये हमारी नंबरिंग हो जाएगी और ये हमारे ब्लॉक्स बन जाएंगे, तो इनमें वैल्यूज इनपुट होंगी। तो जीरोथ वाले ब्लॉक पे आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, लेस देन 5 क्यों? क्योंकि हमारी कैपेसिटी 5 है, और 1 से ये इंक्रीमेंट होगी वैल्यू। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो AR आए, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है तो AR 0, यानी इस पूरी एरे का नाम तो AR हो गया, और AR 0 यानी इस वाली पोजीशन पे। अब इन डॉट नेक्स्ट इन, इससे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और 1 होगी, 1 होगी तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर वैल्यू इनपुट होगी, फिर 2 होगी तो यहाँ पे इनपुट होगी, 3 होगी यहाँ पे इनपुट होगी, और लेस देन 5 है तो लास्ट कंडीशन 4 की होगी, तो 4 में यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया है 5 इनपुट नंबर्स गिवन बिलो। सेम लूप का यूज करेंगे हम फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, तो और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे वैल्यूज को। तो प्रिंट कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, AR और ith पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ARI, तो I की वैल्यू जब 0 होगी तो ARI पे ये वाली पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। S अभी 0 था तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही 0 प्लस इसमें ऐड हो जाएगी। तो एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज 0 पे हमने 1 डाला, फिर 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, और हमने यहाँ पे 5 इनपुट किए नंबर्स। तो 0 पोजीशन पे हमने इनपुट किया 1, फर्स्ट पोजीशन पे 2, सेकंड पे 3, थर्ड पे 4 और फोर्थ वाली पोजीशन पे 5। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो 1 प्रिंट होगा, यहाँ पे 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब लूप की वैल्यू इंक्रीज होगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी तो 1 वाली पोजीशन पे नंबर है, इनपुट है 2, तो ये 2 प्रिंट कर देगा नेक्स्ट लाइन पे। और क्योंकि एस की वैल्यू अपडेट होकर हो गई थी 1, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस ARI, ARI की वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। फिर I की वैल्यू इंक्रीज होगी और 2 होगी, 2 होगी तो फिर 2th वाली पोजीशन पे हमारा 3 है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा तो 1 प्लस 2 हमारा S में पहले से ही स्टोर है, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, और ऐसे ही प्रिंट होते जाएंगे नंबर और इसमें ऐड होते जाएंगे। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक लास्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे सम ऑफ 5 नंबर्स इक्वल्स टू एस में जो वैल्यू हम कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे वो प्रिंट कर देंगे, जो कि हमारे होंगे सम ऑफ 5 नंबर्स। आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। अगर आप एरे पहली बार पढ़ रहे हो तो आप इन प्रोग्राम्स को बना के देखिए और इसमें थोड़ा सा चेंज करके देखिए कि कैसे प्रोग्राम में हल्का सा चेंज करके क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। और अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये बेसिक प्रोग्राम भी क्लियर है, तो आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को भी देखेंगे। सो अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप सजेशन या अपने डाउट शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ चुकी है 5, क्योंकि हमने ऊपर कैपेसिटी डिफाइन कर रखी थी 5 की। अच्छा, ये लेंथ की मैंने एक चीज़ आपको और नहीं बताई, क्योंकि हमने वहाँ पे कैपेसिटी मेंशन कर रखी थी इसलिए लेंथ यहाँ पे प्रिंट हो गई, वो तो हमें पता था क्योंकि हमने इनपुट की थी कि 5 की कैपेसिटी है। अगर हम एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमारे पास एरे की लेंथ का आइडिया नहीं होता है, तब हम इस
को यूज कर सकते हैं और लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 5 नंबर्स इनपुट करने हैं, तो इनपुट करते हैं 5, 10, 20, 30, 40। तो 5 इनपुट नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए, 5, 10, 20, 30, 40 ये मैंने इनपुट किए थे, और ये यहाँ पे ये प्रिंट करके दिखा रहा है कि ये आपने नंबर्स इनपुट किए हैं और इनका जो सम कैलकुलेट होके आया है वो 105 आया है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, या आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपको जावा से रिलेटेड प्रोग्राम के सोर्स कोड या एल्गोरिथम चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।